मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के फाजलपुर इलाके में छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार मनचलों ने एक छात्रा के साथ ट्यूशन जाते वक्त छेड़खानी की। इस दौरान जब छात्रा ने मनचलों का विरोध किया तो उन्होंने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और मौका देखते हुए छात्रा को जान से मारने की भी कोशिश की। इस हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे सर पे बंदूक मारी है बगैर के, और मेरे को जीतू ने स्कूटी पे जा रही थी, उसमें बाइक ठोकी है, वो बैलेंस अनबैलेंस हुआ, मैं गिर गई, मेरे पीठ में आई है। क्यों, क्या क्यों पीछा कर रहे थे? कल पता नहीं, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, हाथ पाथ छेड़ रहे थे। कितने दिन से छेड़छाड़ कर रहे हैं आपके साथ में? 3 दिन हो गए। कभी आपने पुलिस ने में कंप्लेंट की? नहीं, मम्मी को बता दी थी क्योंकि पापा तो यहाँ रहते नहीं, काम करने से। अच्छा, इसलिए मम्मी कह रही थी आज जाऊंगी, आज छोटे वाले मेरे छोटे भाई को बुखार हो गया तो मम्मी घर पे ही रुक गई, आज वो मेरे साथ नहीं गया था, आज मैं अकेली गई थी। वहीं इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि आपसी विवाद के कारण मनचलों ने उसके साथ मारपीट की है। देखिए, कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक एरिया है फाजिलपुर, वहाँ पे आस पड़ोस में रहने वालों का कुछ पूर्व से विवाद चल रहा है, उसमें एक मुकदमा पंजीकृत पहले भी हो चुका है। उसी में आज एक पक्ष की लड़की स्कूटर से कहीं जा रही थी तो ये बताया गया कि उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की घटना की गई है, जो पक्ष दूसरा पक्ष है उनके द्वारा, उनके लड़के के द्वारा, और ये वो वहाँ से स्कूटी से गिर गई हैं, उनको थोड़ी चोटें आ गई हैं। इसके बारे में हम लोगों ने मुकदमा इमिडिएटली पंजीकृत किया है और ये जांच की जा रही है कि उसमें छेड़छाड़ की घटना हुई है या केवल मारपीट या स्कूटर से गिराने की बात है। इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। फिलहाल हम लोगों ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और ये सामने आया है प्रथम दृष्टिया कि दोनों पक्षों में पहले से भी बात चल रही है। सर, बताया जा रहा है छेड़छाड़ अगर नहीं हुई है तो छात्रा का आरोप है कि उसके साथ पिटाई भी करी है, छेड़छाड़ का विरोध करने भी पिटाई करी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार के आधार पर आरोपी मनचलों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।